क्या बात है मामा श्री? आप कुछ खोए से लग रहे हो। तुम्हारे पिताश्री का खेल तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यदि पांडवों को बुलाना ही था तो मुझे भेज दिया होता। मैं कोई ऐसा उपाय सोचता कि वो यहां आते ही नहीं। परंतु भेजा भी तो किसको? विदुर को, जिसकी नीति पहले पांडु के प्रति हुआ करती थी और आजकल पांडु पुत्रों के पक्ष में बोलती है। उसकी निष्ठा तुम्हारे लिए है ही नहीं। परंतु जीजा श्री को समझाए कौन? पक्षपात का आरोप तो मैं भी नहीं लगा सकता मामा श्री। हां, उनकी नीति ने सदैव हमें ही हानि पहुंचाई है, फिर भी पक्षपात मैं नहीं मान सकता। इस कुरु परिवार का सबसे बड़ा दोषी यही है कि वो उस बात को कभी नहीं मानते जो उनके लिए लाभदायक हो। ये परिवार ही स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु है। दुर्योधन भांजे, ना तो तुम नेत्रहीन हो और ना ही तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए देखने का प्रयत्न करो भांजे, देखने का। पता नहीं वो दासी पुत्र कांपिल्य में कैसे कैसे चाल फैला रहा होगा। विदुर, भाभी, आप प्रणाम। कैसे हो विदुर? यह कहना तो बहुत कठिन है भाभी। मैं समझती हूं हस्तिनापुर का वातावरण अनुकूल नहीं है। भ्राताश्री का पुत्र मोहर मुकुट मोह हस्तिनापुर राज्य की आधारशिला को चाटता चला जा रहा है। दुर्योधन का विमान आकाश में छेद किए दे रहा है और भ्राताश्री पर गंधार नरेश शकुनि की पकड़ दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जा रही है। तो फिर तुम एक ऐसे हस्तिनापुर का निमंत्रण लेकर मेरे पुत्रों के पास क्यों आ गए? क्या तुम्हें उनसे प्रेम नहीं? हस्तिनापुर में प्रेम करने योग्य और है कौन? किंतु मेरी समस्या यह है भाभीश्री कि इस दासी पुत्र को हस्तिनापुर से भी बहुत प्रेम है। आपके पुत्र तो हस्तिनापुर की आत्मा है, उनका जाना आवश्यक है। मैं तुम्हारी ऋणी हूं विदुर। यदि तुमने ठीक समय पर हमें सूचना ना दी होती के लाक्षा गृह में क्या होने जा रहा है तो पांडु परिवार का तो अंत हो गया होता। और अब तुम मेरे पुत्रों को उसी भामी में लौट जाने को कह रहे हो जिसका नाम कुरु पूर्वजों ने हस्तिनापुर रखा था। यदि आपको मुझ पर पूरा भरोसा हो तो भ्राताश्री का निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो युधिष्ठिर का ही है और आज नहीं तो कल वो उसी को मिलेगा।
तुम कहते हो तो मान लेती हूं। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज द्रुपद से मिलने के लिए। जाओ, विजयी हो।